प्रभास, NTR, रवि तेजा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स की अभी कोई मूवी क्यों नहीं आ रही है? क्या अमेरिका ने वॉर रोबोट बना लिया है? जानेंगे पूरी सच्चाई। और आपको क्या लगता है, ये ट्यूबलाइट जैसी चीज आग को रोक सकती है या नहीं? और आप इस बंदे को कभी न कभी तो देखा ही होगा, कौन है ये और ये सारा वीडियो कैसे और क्यों बनाता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको अगले 5 मिनट में मिलने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के एकदम एंड तक। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हाल ही में ये वीडियो की क्लिप्स इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। इस वीडियो में एक रोबोट शूटिंग कर रहा होता है जो कि एकदम रियल रोबोट जैसा दिखता है और इसे कई बार हॉकी स्टिक से मारते भी हैं। ये दिखाने कि ये रोबोट कितना स्ट्रांग है। और ये सब देखते ही लोगों को लगा कि ये रियल रोबोट है जो कि USA ने बनाया है। लोग इसे द वॉर रोबोट भी कह रहे थे, पर एक्चुअली में ये एक रियल रोबोट है ही नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये दिखने में, चलने में, यहाँ तक कि इसे जब मारा जाता है तब बिल्कुल ही एक रियल रोबोट की तरह लगता है। पर दोस्तों, ये रियल नहीं है, दरअसल इसे CGI के थ्रू बनाया गया है। ये वीडियो एक YouTube चैनल से आता है जिसका नाम है कॉरिडोर क्रू, और ये ऐसे ही CGI और एनिमेशन रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो भी एक फेक वीडियो था CGI वाला, और इसी CGI से मूवीज में ऐसे गोडजिला, किंग कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर्स बनाए जाते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि इन्होंने ये हॉकी स्टिक वाला कैसे किया, तो इन्होंने वो हिटबॉग नाम का एक मेथड आता है जिसकी मदद से इन्होंने ये फेक रोबोट बनाया जिसको लोगों ने असली रोबोट मान लिया। नंबर 2। दोस्तों, बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हम इंसानों की जीवन शैली काफी आसान हो गई है। पहले हमें सब कुछ खुद के दम पर करना पड़ता था, पर आज के वक्त में 80% चीजों को करने के लिए मशीन मिलती है। और अब शायद ही ऐसा कोई काम होगा जिसे करने के लिए मशीन नहीं आती। जैसे कि आजकल तो मछली को बारीकी से काटने के लिए भी मशीन आती है जिसमें आपको बस मछली डालनी है और बस आपका काम खत्म। ये पूरी मछली को साफ कर देगा, मछली के अंदर के सारे बोन निकाल देगा और उसे पूरी तरीके से क्लीन कर देगा। यानी इस साइड से मछली डालने के बाद उस साइड से जो मछली निकलेगी वो पूरी तरीके से डायरेक्ट पका के खाने लायक होगी। इस मशीन को फिश क्लीनर और फिश किलर, ये दोनों कहा जाता है। नंबर 3। दोस्तों, प्रभास और NTR जैसे बड़े साउथ इंडियन एक्ट्रेस की कोई मूवीज क्यों नहीं आ रही? अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई एक्टर इतना ज्यादा गायब है, यानी कि वो अपने किसी बिग हिट मूवी पर काम कर रहा है, और इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। NTR की मूवी हाल ही में रिलीज होने वाली है जिसका नाम है RRR, और ये मूवी इनकी अब तक की सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी है और इसीलिए ये पिछले 1 साल से गायब थे। और प्रभास की भी एक बिग शॉट मूवी आने वाली है, पर NTR से अलग प्रभास बस एक ही नहीं बल्कि 3-3 मूवीज में काम कर रहे हैं, और इसलिए ये सोशल मीडिया पर भी बहुत कम एक्टिव हैं। इनकी जो अपकमिंग मूवी है वो है आदि पुरुष, जो कि बहुत बड़ी हिट मानी जा रही है, और राधे श्याम, जो कि एक रोमांटिक मूवी है, और तीसरी और सबसे बड़ी मूवी है रामायण। इस मूवी में माना जा रहा है कि सलमान खान, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस भी होंगे, और इसीलिए प्रभास अपने काम में आजकल बहुत बिजी है। नंबर 4। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये छोटी सी ट्यूबलाइट जैसी चीज आग को रोक सकती है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? अगर नहीं तो आप गलत है, क्योंकि ये एक्चुअली में आग को रोक सकती है। इसे फायर एड भी कहा जाता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें आग लगने पर हमें अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। इसकी कमाल की बात यह है कि अगर आप अपने घर से या अपने शॉप से बाहर हो और अगर वहाँ आग लग जाती है तो ये ऑटोमेटिक आग को बुझा देता है। ये काफी कमाल है। इसके अंदर एक लिक्विड आता है जो कि फायर एक्सटिंग्विशर से भी फास्ट काम करता है और जल्दी से आग को खत्म कर देता है। और इस चीज को ट्यूबलाइट जैसे ट्यूब में पैक किया जाता है। उसके अंदर सेंसर है, इसलिए जैसे ही इसको पता चलता है कि आग लगी है तो ये फूट जाता है और लिक्विड हर जगह स्प्रेड हो जाता है। इस चीज की 10 साल तक की वारंटी भी होती है। बस यही नहीं, इनके पास और भी कई स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे हैंड ग्रेनेड जो कि आग को बुझाते हैं, और फिर स्प्रे जो फायर को खत्म कर सकता है। अगर आपको ये टेक्नोलॉजी इंटरेस्टेड लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 5। दोस्तों, हर एक कलाकार की अपनी खुद की कला होती है। जैसे कि क्या आपको पता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बफेलो यानी कि भैंसे की हड्डियों से एक ऐसा आर्ट पीस बनाता है जो कि काबिले तारीफ है, और लोग इस आर्ट पीस के हजारों रुपए देते हैं। और बोन कार्विंग जो है वो इंडिया का बहुत पुराना आर्ट है। अब इसे बहुत कम लोग करते हैं, पर ये पिछले 16 सेंचुरी से चला रहा है। अब इसे जलालुद्दीन अख्तर करते हैं। शुरुआत में पहले ये बफेलो की हड्डियों को कलेक्ट करते हैं। इसके लिए ये बफेलो को
किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वह गैर कानूनी है। ये मरे हुए बफेलो के रिमेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको कलेक्ट करने के बाद वो अपने छत पर इन हड्डियों को सुखाने रखते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए, जिसके बाद ये इन हड्डियों को अपने वर्कशॉप में लाते हैं और उसे बहुत बारीकी से काटते हैं। फिर उसको अच्छे से पॉलिश किया जाता है और फिर इसे बेकिंग सोडा में पकाया जाता है ताकि बोन की व्हाइटनेस निखर के आए। फिर वो इन हड्डियों के टुकड़ों को फिर से पॉलिश करता है और उसे शेप देता है, जिसके बाद ये इनमें छेद करके डिजाइन बनाता है और फिर इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डाल के सूरज में सूखने को रख जाता है। फिर इसको जोड़ के एक कमाल का आर्ट बनाया जाता है। ये प्रीहिस्टोरिक इंडियन आर्ट आज भी जिंदा है। नंबर 6। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर जादू और ट्रिक्स देखना पसंद करते हैं तो आपने आज तक एक ना एक बार जैक किंग का नाम तो सुना ही होगा। जैक किंग बहुत फेमस है अपने मैजिक ट्रिक्स के लिए। इनकी मैजिक ट्रिक देख के सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इनकी ट्रिक काफी ही ज्यादा कमाल की होती है। पहले ये कई ऐसे जादू करते थे जो देख के लोगों को लगता था कि ये रियल जादूगर है, पर इन्होंने अपने कई वीडियोस में कहा है कि ये बस थोड़ी मैजिक और थोड़ी कैमरा ट्रिक है। ये अपने एक मैजिक ट्रिक को करने से पहले बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं। उसके बाद एक एक मैजिक ट्रिक बनाने में इनको 10 दिन से भी ज्यादा लगता है क्योंकि कई बार इनको परफेक्ट लोकेशन चाहिए होती है, तो कई बार परफेक्ट मॉडल और 20-30 बार परफेक्ट एंगल के लिए शूट भी करना पड़ता है। इनके इंस्टाग्राम पर 24 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनको बहुत अच्छे व्यूज भी आते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ये बिहाइंड द सीन दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे इन्होंने ये सब मैजिक ट्रिक किए, पर मानना पड़ेगा इनकी ट्रिक्स होती कमाल की है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।